दुनिया में जहां सफ़र करना इंतहाई आसान हो गया है, वहीं पे बढ़ती कीमतों ने कदम कुछ रोक से दिए हैं। दुबई दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शुमार होता है, लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आज भी सिर्फ चंद पैसे देकर एक कोने से दूसरे कोने पे जा सकते हैं। एक आदमी का एक दरम। अब्रा ये एक ऐसी कश्ती है जो सिर्फ दुबई में ही पाई जाती है। ये रोजाना हजारों मुसाफिरों को बार दुबई से डेरा लेके जाती है सिर्फ 5 मिनट, और आज भी एक ही दिरहम में। इन अब्रा को ज्यादातर पाकिस्तानी ही चलाते हैं। यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से हुई जो पिछले 8 साल से लोगों को उस पार लेके जाता है। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं यहाँ पे दुबई में दुबई क्रीक में 8 साल से अब्रा चला रहा हूँ। 20 लोग था एक बोर्ड में क्रॉस करने के लिए, और एक आदमी का एक दरम। इरादे तो कुछ और थे, लेकिन जब से तनवीर यहाँ आया है ये दिन रात यही कश्ती चलाता है। पाकिस्तान में पहले पढ़ता था, कॉलेज में जाता था, तो कॉलेज से बीकॉम किया। बीकॉम के बाद बीबीएम एडमिशन लेने का फॉर्म जमा करवाने के लिए जाने का, तो अबू ने बोला चलो तुम पासपोर्ट बना दो। मैंने चलो ठीक पासपोर्ट बना 2013 अक्टूबर में, तो बाद में शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद मिल गया पासपोर्ट। उसके बाद पासपोर्ट मिला ये मुझे नहीं पता, अबू ने जो है ना बात किया हुआ था किसी अपना दोस्त था उनके साथ, तो उन्होंने वीज़ा भी भेज दिया। बाद में टिकट कभी किया मुझे ये भी नहीं पता। मैं वैसे गाँव से निकला हूँ, उधर स्टाफ में गया हूँ, तो मेरा दोस्त भी आ गया यहाँ पर। हम दोनों बैठने वाला ये वो बस में जाने के लिए कॉलेज, तो उधर से अबू कॉल किया आप किधर हैं। मैंने कहा मैं तो अभी शालकोट जाने वाला हूँ। अबू बोलने लगे कि तुम आ जाओ, छोड़ो आज नहीं जाओ। ठीक है, मैं बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। घर में आया तो पता चला कि आज का नहीं सुबह का फ्लाइट इस्लामाबाद से जाने का दुबई। कदीम आबरा के साथ साथ जदीद फेरीज भी क्रीक पे चलती नजर आती हैं, लेकिन जाहिर है उन पे सफर कुछ महंगा है। इतने साल हो गए हैं यूएई में ये बहुत कदीम किस्म की नजर आएंगी चलती हुई फेरीज। ये आबरा है और ये डॉ है, मैकडोनल्ड्स के आइसक्रीम की तरह इसका भी फेयर चेंज नहीं हुआ। आपको यकीन नहीं आएगा कि एक साइड बार दुबई से डेरा की साइड में जाने में कितने पैसे लगते हैं। टाइम भी कम लगता है और पैसा कितना लगता है, सिर्फ इतना। अगर आपने जो है वो ये पूरा आबरा की राइड मेरी तरह ली है हाफ एन आवर के लिए, ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ली है, तो जो है आपको फ़र्क साफ महसूस होगा। पुराने दुबई की बिल्डिंग्स ट्रेडिशनल बिल्डिंग से हट के आपको जो है वो पूरी न्यू कंस्ट्रक्शन न्यू दुबई नज़र आएगा, और दोबारा से जो है हम वापस पुराने दुबई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरी तरह तो नहीं बहुत सारे लोग आते, बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में आते हैं, वो एक साइड से दूसरी साइड पे क्रॉस करते हैं वही एक दिरहम में। अगर आप दुबई आए हैं
या यहाँ रहते हुए आपने आगरा का सफ़र नहीं किया तो फिर इंतज़ार किस बात का है।